राम राम भाई। सब ने आज मेरा CHSL 2024 का 20वां दिन। तो भाई 2 दिन वीडियो नहीं आई। मैंने पहले बोला था भाई 2 दिन में पढ़ू को नहीं, सिर्फ रिवीजन करूंगा, के करो के ना करो सब कुछ बताऊंगा। और सुनो मेरी बात, मॉक टेस्ट भी दियो तुम्हें, और मॉक टेस्ट करना, नंबर भी बताऊंगा भाई मैं कहाँ से मॉक टेस्ट दिया और कितने मेरे मार्क्स आए, सब कुछ, मॉक टेस्ट के बारे में, कितनी रैंक है, फलाना दिखड़ा, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो आगे देखिए। तो भाई सबसे पहले तो बात यह है, वो कैब पाव है भाई, मैंने थाने पता है मैं 200 तक वो कैब याद कर ली हूँ मैं ब्लैक बुक में, 200 सिनोनिम, 200 एंटोनिम, 200 वन वर्ड, 200 एडिफ्रेजेस, टोटल वो कैब ही ब्लैक बुक में लगभग 1200-1300 सी, सारी 1200-1300 सिनोनिम, 1200-1300 एंटोनिम, 1200-1300 एडिफ्रेजेस और 1200-1300 ही वन वर्ड ही। अब थम के सोचोगा, सुनो मेरी बात पहले सुन लियो, अब सोचो यार भाई इतनी के वो कैब याद ही सी यार, मतलब यार 1200-1200 यार ऐसे यार भूल जाएगा के 2 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे, 7 नंबर के आएंगे, ज़्यादा तो ना आज वो कैब 25 माए 7-8 नंबर ही लगा ले यार, इतना नंबर खातर भाई दिमाग खराब। इब सुनो मेरी बात भाई साहब, मैं 200 तक याद कर ली, 200 सिनोनिम, 200 एंटोनिम, सब किन 200 तक, जब मैं रिविजन करो ना मेरा मतलब हर वो कैब मैं ना आ रही थी हर, मतलब एक बार देखता ही हाँ भाई यो आ गई हो, मतलब 200 तक हम कुछ पूछ लियो मेरे कने, शुरू का जो 200 ही ना उठे तक तो छोड़ू कन्या, मतलब ए और बी, बी कवर रहेगा, ए की अल्फाबेट और बी का अल्फाबेट में जो जो वो कैब थी सारी कवर रहेगी, चूंकि मेरी धीरे धीरे एजिंग सारी, कोई दिक्कत करे तो कहना मतलब यो ही से देखने से तो भाई पता ना यार भाई इतनी कहीं सी आस है वास है, लेकिन भाई एजिंग कोई दिक्कत को नहीं रहन जी सी ठीक है। लेकिन एक दिक्कत से वह तरह पूछोगा ना भाई, ये को बता तो नहीं बता पाऊंगा, हाथ खड़ा कर दूँ भाई अपनी गुन्ने बस की बात, लेकिन जब 4 ऑप्शन देगा जब मैं बताऊंगा ठीक है। तो यह बात थी वो कैब पे, सारी वो कैब रिविजन करी। फिर आता है जिक्के, जिक्के भाई साहब सुनो, अरे मॉक टेस्ट भी बताऊंगा मेरी के औकात से, जिक्के में भाई साहब टोटल 5 प्रैक्टिस सेट कर लिया मैं, थाना बता रखी है, 5 प्रैक्टिस सेट का रिविजन करया, 6 घंटा से ज़्यादा टाइम लागू मैंने रिविजन कर, कापी लिख के या मेरी वह है जिक्के थी गुना दी जो भी या कापी है नू लेकर नू बैठे रहे भाई मैं, भाई बैठे रहे हो कम से कम लगातार तो ना बैठे हो, एक एक दो दो तीन तीन घंटा कर 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 कई टाइम में, मतलब 6 घंटा तक बैठे रहो याद करे भाई साहब याद है वो जिक्के, कोई दिक्कत को नहीं। फिर आओ सपनो मैथ, मैथ में भाई मैं कुछ ना करो, बस मैंने आओ वैसे रिविजन, वो मैथ में रिविजन करने जरूरी थी कोने, वो तो बस प्रीवियस ईयर क्यों सुना मॉक टेस्ट में लगाया था, रीजनिंग, रीजनिंग में कुछ कोने, और इंग्लिश ग्रामर भाई साहब, इंग्लिश ग्रामर नाउन पढ़ लियो, प्रोनाउन पढ़ लियो, टेंस पढ़ लियो और एडजेक्टिव तो अपना शुरू हो ही है, तो ये 3 चैप्टर सारा अपना रिवीजन कर, नोट्स आप बना रख। फिर आओ से इव सुनो मॉक टेस्ट आवे, मैं भाई सुनो रे मेरी बात सुनो, मॉक टेस्ट भाई मैं पता है मेरा एक खास चाल रही कई दिन आज, टेस्ट बुक से ऐप सब ने पता है मैं भाई जो टॉपर रही हूँ उनका इंटरव्यू देखा अगर, तो भाई मॉक टेस्ट कहाँ से लगाया, सर मैंने टेस्ट बुक से लगाया, मैंने ओली बोर्ड से लगाया, टेस्ट बुक ओली बोर्ड, टेस्ट बुक ओली बोर्ड, टेस्ट बुक ओली बोर्ड। फिर अब मैं सोच मैं यार एक बार तो मैं भी ट्राई करूँ, मैं गया मॉक टेस्ट देने, पहले तो बोला फ्री देवांगे एक मॉक टेस्ट, फिर रुपया लेवांगा, फिर वहाँ ले ले लिया तैयारी भी और तो क्या करा रुपया देना है मॉक टेस्ट में, बिना मॉक टेस्ट अपना अपन ना सर। सुनो ये काम की बात यार, मैं 14 तारीख 15 तारीख 16 तारीख 3 दिन की उनकी कोई सेल थी, 350-349 रुपया मॉक टेस्ट दे रहा था ठीक है, 349 रुपया में, लेकिन ऊपर थम भी ले इसको 349 में, लेकिन ऊपर एक कोड मतलब वो रेफरल कोड लगा होगा, मेरा रेफरल कोड है वो BRCLLK, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो लगा होगा ना तो था ना वो और 12% की छूट, मतलब कुल मिलाकर 307 रुपये पड़ जाएगा, मेरे 307 रुपये पड़े उस ठीक है। तो वो भाई मॉक टेस्ट है कितना दुनिया भर का मॉक टेस्ट लेके पिछले 5 साल तक का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले सब कुछ, सेक्शनल वैकनल सब कुछ, CHSL का टोटल 959 टेस्ट सी ठीक, कदे भी दे दो 959 पूरा पूरा या सर। तो इब मैं भाई मैं के करूँगा, डेली एक मॉक टेस्ट दूंगा और डेली थान रैंक दिखाऊँ, कोई दिक्कत को नहीं, कमाओ ज़्यादा हो कोई फर्क तो पड़े है यार ठीक है ठीक है। तो सुनो भाई मैं स्क्रीन पे वो डाल दूँगा मेरो स्क्रीनशॉट, मेरी रैंक आई है भाई 26,819, टोटल कैंडिडेट था 1,21,494,
मेरी 26,000 आई, मतलब हर 5 मास एक पास आयो है। मेरा नंबर से 113.5। जो टेस्ट थो पिछली साल 1 अगस्त 2023 को, जो शिफ्ट वन में जो पेपर था ना प्रीवियस ईयर, वो मैंने सोल्व करो थो, मेरी नंबर आई से 113.5। टोटल ओबीसी की कट ऑफ लगी 152.5, मतलब मेरा नंबर 113 आया और कट ऑफ 152 पर लगी। सिर्फ सोच लियो, मतलब हम सोचो कह रहे हैं फिर तो क्या आवश्यक अरे कितना नंबर पिछड़ रहा है वो 40, अरे 40 40 का नंबर है, फैफ हमारी भी सुनो मेरी बात भाई साहब। मेरा सिलेबस कितना हो गया इस पूर्व या और बता दो कुछ ना। जिंदगी को पहला मॉक टेस्ट दियो CHSL को, पहला मॉक टेस्ट मेरा 113.5 नंबर है, नंबर मेरा कम से मानू सुन, लेकिन नुबी देख लो पहलो मॉक टेस्ट है, अरे भी 1.5 महीने से और भी सिलेबस मेरा आयो भी कौन से कुछ वो कैब करी, वो कैब मैं ए ए की मतलब ए और बी की वो कैब कर लिया अल्फाबेट को, और वो कैब पूछ रहा ई एफ जी एस टी वी आगा तक की भी भाई मैं करी कौन, मैं फिर मैं छोड़ छोड़ा ए का दावत कि सही है कि गलत है वह बात से। तो वही से भी टाइम्स है 113 सी देखियो, मैं कह तरह 170 तक पूछा हूँ, 70 तो है ज़्यादा है, 165 तक तो पूछा ही दूंगा प्यारा। देख लो जो मैं पढ़ रहा हूँ ना उनने पढ़ पढ़ के 113.5 से 165 नंबर पूछा हूँ देखियो ठीक है। टोटल 68 क्वेश्चन किया था सुम में से, जब 59 सही सी और 9 गलत सी, रीजनिंग में मेरा नंबर ही 50 में सी 43.5, दो एक दो नंबर और बढ़ाने की कोशिश, एक दो क्वेश्चन और सही करूँगा रीजनिंग में। जिक्के में ही 15.5 नंबर, टोटल ही 50 मार्क्स है ना भाई, है नी वीक्स है नी तगड़ो करूँगा। मैथ में 35.5 नंबर है नी भी भाई, 50 50 करूँ मैथ में सीधी बात, एक दो क्वेश्चन कटे हैं, एक दो के 4 5 कटे हैं तो भी करूँगा सही। इंग्लिश में मैं टोटल 19 नंबर, तो इंग्लिश ने बढ़ा, इंग्लिश भाई वो क्या मैं कटा है, ग्रामर में तो ना कटे ठीक है। अब सुनो वो के कहेंगे नहीं मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट देने से बात ना बने, यानी वो भी करना रिवीजन भी करना पड़ेगा हण को। तो इस सुनो मैं एक अलग सी कापी लगा ली और डेली एक मॉक टेस्ट आओगे रुको, फिर वो एनालिसिस भी करूँगा। इस सुनो मेरी बात, ये भाई देख लो मॉक टेस्ट वन आज मैं पहले उक एनालिसिस है रीजनिंग भाई, एक यो क्वेश्चन आए थे यो मैं वरे थो यो मैं गलत कर दियो था, तो सारो लिख दियो भाई आगे इब तो गलती है यो भाई प्रीवियस पेपर है आगे नहीं आनी चाहो ठीक है। एक यो मैथ में एक क्वेश्चन आए थे यो या एक छोटी सी गलती है जल्दी जल्दी में देख लियो क्वेश्चन देख लो ठीक है। यो भाई देख लियो भाई ऐसा क्वेश्चन आता इन छाप देना है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक मैथ में ही सो क्वेश्चन तो ठीक है। यो यो अब आता है जिक्के, जिक्के का नोट्स बना दिया भाई मैं सारा, अब भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भाई अन में ये मैंने ना आया तो अब तो ना आया कोई बात ना आगे आज जाना सा ठीक है। ये सब देख लो जिक्के, ये तो बंधन जो बैंक से ना बंधन बैंक को हेडक्वार्टर किससे कलकत्ता, यो तो मैं सही करियो तो यो देख लोन टेनिस यो स्पोर्ट्स को क्वेश्चन ठीक है। ये देखो ये सारे क्वेश्चन भाई उस टेस्ट में थे, एनालिसिस भाई नू ही ऐसे ठीक है, कम से कम 1.5 घंटों लग गए मैंने एनालिसिस करूँ, 1.5 से ज़्यादा ही लग गए वो नोट्स बनाए हैं देख लो तुम। ये देख नू ही बात बनाएगी 113 से 165 ना 70 ही वाल कर तू तो 70 तक पूछा हूँ भाई ऐसे ही पूछा वो ठीक है, सिर्फ टेस्ट देने से ना पूछा नहीं पूरा वो करने से पूछा वो। ये देख लो ये इंग्लिश आ गई अपनी एंटोनी भाई देख लो सारा एम पे है एल पे है पी पे है, ये देख लो ए पे तो कुछ आयो करना ठीक है। तो भाई यो तो मेरे मॉक टेस्ट को एनालिसिस ये देख लियो थम धराग पढ़ रूम जो पढ़ूँ सो जो ना पढ़ूँ 113.5 सी 100 कितना तक पूछाना है 170 तक पूछाऊँ भाई 65 70 ठीक है। तो देख लियो ऐसे ही पूछाऊँगा आज, देखो कितना मार्क्स आए, दुआ करूँगा 113 से ज़्यादा आई 113 सी ज़्यादा है ठीक है, कम ना हो भाई पूरी कोशिश। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब।